तो दोस्तों आज 15 जनवरी 2019 है और आज मंगलवार के मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन और आज की बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। आपको बता दें आज के मुख्य समाचार में कुछ खबरें सरकार की तरफ से हैं जो कि देश के सभी नागरिकों के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए सभी खबरों को ध्यान से देखें। तो चलिए सीधे चलते हैं आज की पहले खबर की तरफ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि सरकार के लिए बनाए वीडियो और दे अपने जीनियस सुझाव और पाए 2 लाख रुपए बिल्कुल फ्री में। जी हां दोस्तों, सरकार की तरफ से अभी एक नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल चल रहा है। आपको बता दें ये फेस्टिवल पीएम की तरफ से चलाई जा रही है। पीएम मोदी चाहते हैं कि देश में जो भी नौजवान लोग हैं, जिनकी अच्छी सोच है, जो कि जीनियस लोग हैं, वो लोग वीडियो बनाकर, वो लोग अपना लेक्चर देकर कि देश को किस तरीके से उन्नति की तरफ बढ़ाया जाए, देश को कैसे कामयाब किया जाए, वो लोग अपना वीडियो बना सकते हैं और उस वीडियो को आपको सरकार के पास भेजना है। आप अपनी वीडियो फोन में बनाए, लैपटॉप में बनाए, कैमरे में बनाए, आप चाहे किस भी चीज में बनाए, अगर आपकी सोच अच्छी होगी, आपका प्लान अच्छा होगा और अगर आप सिलेक्ट किए जाते हैं तो आपको पूरे 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। यानी 3 लोगों को सरकार ये अवार्ड देगी पैसे देकर। आपको बता दें ये बात मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ बल्कि खुद सरकार की वेबसाइट mygov.in पर इसका नोटिफिकेशन लगाया गया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। हम आपको सरकार की इस वेबसाइट के पेज का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर खुद भी हर चीज देख सकते हैं और इसके लिए अप्लाई करके घर बैठे बैठे 2 लाख रुपए तक जीत सकते हैं। और दोस्तों आज की अगली खबर कि बजट 2019 में इनकम टैक्स, होम लोन, पेंशन में मिलेगी बड़ी छूट, यह है मोदी सरकार का प्लान। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी को लेकर एक और बड़ी खबर आई है। आपको बता दें 2019 का जो बजट आने वाला है उसमें इनकम टैक्स जो लोग भरते हैं उन लोगों को बहुत अच्छी राहत मिलने वाली है, साथ ही जो लोग होम लोन लेते हैं उन लोगों को भी बड़ी राहत मिलने वाली है, साथ ही जिन लोगों को पेंशन मिलती है उन लोगों को भी सरकार की तरफ से बहुत अच्छे और फायदे दिए जाएंगे। आपको बता दें क्या क्या फायदे दिए जाएंगे इसका खुलासा तो बजट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन आपको बता दें इन 3 चीजों पर सरकार की गहरी नजर रहेगी। और दोस्तों आज की अगली खबर, ट्रेन पर चढ़ते समय हादसे से बचाएगी नीली लाइट, रेलवे ने की है व्यवस्था। यात्रियों को इस बात की चेतावनी देने के लिए प्रयोग के तौर पर मुंबई के उपनगरीय के ट्रेनों के प्रवेश द्वारों पर संकेतक लगाया जा रहा है। ट्रेन रवाना होने वाली है और यात्री चलती ट्रेन में ना चढ़ें, इसके लिए खास तरीका अपनाया गया है। आपको बता दें जैसे ही ट्रेन के खुलने का समय हो जाएगा वैसे ही ट्रेन के दरवाजे से एक लाइट निकलेगी जो कि नीले कलर की होगी और वो प्लेटफॉर्म पर पड़ेगी और वो प्लेटफॉर्म पर एक लाइन बना देगी। इससे ये पता चल जाएगा कि इस लाइन के आगे अब नहीं जाना है और गाड़ी खुलने वाली है। इसका एक वीडियो भी रेल मंत्री ने शेयर किया है जिसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और दोस्तों आज की अगली खबर कि 2022 तक सभी आवास देने के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब रिकॉर्ड 3 महीने में बन सकेंगे घर। जैसा कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 तक सभी को घर देना चाहते हैं, उन्होंने ऐसा वादा किया था, लेकिन आपको बता दें घर को बनाने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। साथ ही आपको बता दें जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सरकार गरीब लोगों को घर देना चाहती है, इसके लिए जिन लोगों की आय कम है उन लोगों को सरकार बहुत जल्दी बड़ा फायदा दे सकती है, लेकिन फायदा देने के लिए घर भी जल्दी जल्दी बनने चाहिए। इसी दिशा में सरकार ने देश विदेश की कंपनियों से अच्छी टेक्नोलॉजी की मदद मांगी है जिसके जरिए रिकॉर्ड 3 महीने के अंदर घरों को तैयार किया जाएगा। जिन घरों को बनाने में सालों लगते हैं उन घरों को महीनों में तैयार कर लिया जाएगा और जो भी गरीब लोग हैं उन लोगों को ये घर दिए जाएंगे। और दोस्तों आज की अगली खबर कि इंडियन आर्मी में इन अहम पदों पर निकली है नौकरी, अच्छी सैलरी चाहिए तो आप भी कर सकते हैं आवेदन। सेना में नौकरी की चाह रखने वालों के लिए ये जरूरी खबर है। इंडियन आर्मी ने SSC और NCC की 55 पोस्ट पर भर्तियां निकाली हैं। इन पोस्ट पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 7 फरवरी 2019 है। आपको बता दें इसमें आवेदन करने की उम्र 19 से 25 साल रखी गई है। साथ ही आपको बता दें जॉब की लोकेशन देश में कहीं भी हो सकती है। बाकी आप वैकेंसी की अधिक जानकारी के लिए और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इस वाली वेबसाइट पे जा सकते हैं जो कि अभी आपके सामने है। और दोस्तों आज की अगली खबर कि कुंभ मेले में नहीं गुम होंगे बच्चे, ये टेक्नोलॉजी करेगी काम। जैसा कि आप जानते हैं कुंभ मेले के दौरान बिछड़ने वाले बच्चों को पता लगाने के लिए एक खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों को रेडियो फ्रीक्वेंसी देगी। इस ID के जरिए खोए हुए बच्चों को आसानी से ढूंढा जा सकेगा। बता दें कि इस बार करीब 12 करोड़ श्रद्धालु कुंभ में पहुंचने वाले हैं, इसमें विदेशी लोग भी शामिल हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें किस तरीके से भीड़ होगी। देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसी के साथ ये परेशानी बढ़ जाती है कि इसमें बहुत सारे बच्चे खो जाते हैं। अब लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार ज्यादा बच्चे नहीं खोएंगे और अगर खो भी जाते हैं तो उन्हें खास टेक्नोलॉजी के जरिए ढूंढ लिया जाएगा। और दोस्तों आज की अगली खबर कि अब ट्विटर पर वीडियो शेयर नहीं कर पाएंगे यूजर, YouTube बंद करने जा रहा है ये सुविधा। वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म YouTube ने घोषणा की है कि वो उस फीचर को 31 जनवरी के बाद हटा देगा जिसके तहत उसके उपयोगकर्ता YouTube की उनकी गतिविधियां माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर साझा करते हैं। यानी 31 जनवरी 2019 के बाद जो YouTube के वीडियो होंगे वो ट्विटर पर शेयर नहीं किए जा सकेंगे। ताजा खबरों के मुताबिक इसकी घोषणा खुद YouTube ने की है। और दोस्तों आज की अगली खबर कि BSNL में 300 पदों पर नौकरी पाने के लिए बचे हैं सिर्फ 12 दिन, सैलरी 50,000 रुपए तक है। जल्द
जल्दी करें अप्लाई। देश की टेलीकॉम कंपनी ने यानी कि BSNL ने 300 पदों पर आवेदन मंगाए हैं। आपको बता दें आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 जनवरी 2019 है। आपको बता दें आवेदनकर्ता की उम्र 30 साल के करीब होनी चाहिए। बाकी आप वैकेंसी की अधिक जानकारी के लिए और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इस वाली वेबसाइट पे जा सकते हैं जो कि अभी आपके सामने है। और दोस्तों आज की अगली खबर कि भारतीय रेलवे ने इन खास लोगों को किराए में दी छूट, जानकर होगी खुशी। जी हां दोस्तों, इंडियन रेलवे ने अब थर्ड जेंडर नागरिकों को भी किराए में छूट दे दी है। आपको बता दें अब तक जो थर्ड जेंडर लोग थे यानी जो ना मर्द होते हैं ना औरत होते हैं, उन लोगों को 60 वर्ष होने के बाद भी कोई छूट नहीं दी जाती थी। जिस तरीके से अभी आम आदमी को छूट मिलती है, यानी आम आदमी जब 60 साल का हो जाता है तो उसे रेलवे के टिकट पर 40% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन ये थर्ड जेंडर को नहीं मिलता था। लेकिन अब ये लाभ थर्ड जेंडर को भी मिलने लगेगा। इस लाभ की खबरें पहले भी आई थी लेकिन फाइनली ये लागू हो गया है। और दोस्तों आज की अगली खबर, घर खरीदारों को मिल सकती है बड़ी राहत, कम आय वालों को होगा बड़ा फायदा। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें इस खबर के मुताबिक जिन भी लोगों की सैलरी कम है, जो लोग ज्यादा पैसा नहीं कमाते हैं, उन लोगों को घर की खरीदारी पर बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। आपको बता दें अगर आप घर खरीदने वाले हैं तो कुछ दिन रुक जाइए। 1 फरवरी 2019 को सरकार का अंतरिम बजट आना है। उस बजट में सरकार घर खरीदारों को बहुत अच्छी राहत देगी। आपको बता दें सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में बदलाव करने जा रही है। इस बदलाव के तहत जिन भी लोगों की आय कम है, उन लोगों को बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। आज की अगली खबर, अब सिर्फ इतने रुपए में देख सकेंगे 100 चैनल, ट्राई के नए नियमों से सस्ता हुआ टीवी देखना। जी हां दोस्तों, टीवी केबल को लेकर एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें सरकार की तरफ से टीवी देखने पर जो नया नियम लागू किया गया है उसको लेकर एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें जो नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत टीवी देखना और सस्ता हो जाएगा। आपको बता दें हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक आपको 100 फ्री टू एयर चैनल के नए नियम के मुताबिक 153 रुपए देने पड़ेंगे। साथ ही आपको बता दें अगर आप पैड चैनल लेते हैं तो आपको जो उन चैनलों का पैड निर्धारित किया गया है आपको उतने पैसे भुगतान करने पड़ेंगे। आपको बता दें आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जो पैड चैनल है वो भी आपको 5 चैनल 6 चैनल सिर्फ 10 रुपए 12 रुपए प्रति माह में मिलेंगे। तो यानी 1 फरवरी 2019 से आपको टीवी देखना पहले के मुकाबले में 100-150 रुपए सस्ता हो जाएगा। और आज की अगली खबर कि रोज रोज बनाने का झंझट खत्म, हीट एंड ईट तकरीब से 1.5 साल तक खा सकते हैं खाना, चाहे हो बिरयानी चाहे हो कड़ी चावल। हाल ही में एक बहुत अच्छी तकनीक सामने आई है। आपको बता दें इस तकनीक की वजह से पूरे 18 महीने तक एक ही खाना खाया जा सकता है। आपको बता दें इस खाने में बकायदा बिरयानी, पुलाव, कड़ी चावल और इसी तरह के बहुत सारे खाने शामिल हैं। आपको बता दें विशाल गोयल ने इस तरह की कंपनी शुरू की है। जिस तरीके से आप चिप्स को या बिस्कुट को 1 साल 1.5 साल तक खा सकते थे, उसी तरीके से अब आप खाने को पूरे 1.5 साल तक खा सकेंगे। और दोस्तों आज की अगली खबर, आम आदमी को राहत की डबल डोज, थोक के बाद रिटेल महंगाई भी 18 महीने सबसे कम। आम आदमी के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। आपको बता दें अभी हाल ही में जो थोक विक्रेता थे उनके महंगाई में कमी आई थी, लेकिन आपको बता दें अब जो खुदरा महंगाई है वो भी 18 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। यानी 18 महीने पहले जितना सस्ता सामान मिलता था अब उतना ही सस्ता आपको अब मिलेगा। आपको बता दें फल और सब्जियां सस्ती हुई है, फल और सब्जियों के दाम 18 महीने के निचले स्तर पर चले गए हैं। आपको बता दें महंगाई कम होने का मेन कारण ईंधन है, क्योंकि बीते कुछ महीनों में तेल के दामों में अच्छी खासी गिरावट आई है। और दोस्तों अगली खबर बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो तो देख रहे हैं पर वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर कर दें और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक करना आपका शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल है। और दोस्तों आज की अगली खबर कि मोबाइल ऐप बताएगा कब आने वाली है आंधी और कब गिरेगी बिजली। जी हाँ दोस्तों, मौसम के वैज्ञानिकों ने एक बहुत अच्छी तकनीक बनाई है जिसके तहत अब एक ऐप के जरिए आपको पता चल पाएगा कि आंधी कब आएगी, बिजली कब गिरेगी। आपको बता दें आंधी बिजली से पिछले साल उत्तरी भारत में जान माल की बहुत ज्यादा हानि हुई थी। इसी के मद्देनजर हमारे देश के जो मौसम के वैज्ञानिक है उन्होंने एक ऐप तैयार की है। इस ऐप की मदद से लोगों को ये चेतावनी दी जा सकेगी कि आंधी कब आने वाली है, बिजली कब गिरने वाली है। आपको बता दें इस ऐप को अप्रैल 2019 में लॉन्च किया जाएगा। और दोस्तों आज की अगली खबर कि हर परिवार को मिलेगी फिक्स सैलरी, इस राज्य सरकार ने किया ये खास इंतजाम। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और भी बड़े शहरों में बेरोजगारी का मुद्दा उठा हुआ है, बेरोजगारी से लोग परेशान है, लोग बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं उसके बावजूद भी उन्हें जॉब नहीं मिलती। इस तरह की सिचुएशन होने के बावजूद भारत के एक छोटे से राज्य सिक्किम ने एक योजना निकाली है जिसका नाम है वन फैमिली वन जॉब। यानी राज्य में जितने भी फैमिलियां रहती हैं उनमें से एक मेंबर को सरकारी जॉब दी जाएगी और उनकी सैलरी फिक्स होगी। यानी राज्य का हर परिवार ऐसा होगा कि उसे पैसे की तंगी नहीं देखनी पड़ेगी। अक्सर ये देखा जाता है कि जिनकी सरकारी नौकरी होती है उन्हीं लोगों की सरकारी नौकरी लगती है, लेकिन इस योजना के आने के बाद सबको सरकारी नौकरी मिल सकेगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर केंद्र सरकार इस पे काम करे तो इससे पूरे देश को फायदा हो। और दोस्तों आज की अगली खबर कि अब केवल 2500 रुपए में भर सकेंगे बैंकॉक थाईलैंड की उड़ान, सरकार ने उठाया है ये कदम। आपको बता दें विदेश घूमना लगभग
सभी का सपना होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का सपना ये सपना ही रह जाता है क्योंकि विदेश की यात्रा ही इतनी महंगी है। लेकिन आपको बता दें, अब गरीब से गरीब लोग भी सरकार की वजह से विदेशों में घूम सकेंगे। आपको बता दें, सरकार की एक योजना है जिसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना में विदेशी यात्रा को जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें, इस योजना के तहत आपको सिर्फ थाईलैंड जाने का किराया 2500 रुपए देना पड़ेगा। और दोस्तों, आज की अगली खबर कि मोदी सरकार का सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, अब अपनी मर्जी से ले सकते हैं कहीं भी ट्रांसफर। जी हां दोस्तों, सरकार की तरफ से जो एक और खुशखबरी आई है, एक और जो बड़ी खबर आई है, वो सरकारी कर्मचारियों के लिए है। आपको बता दें, सरकार ने ग्रामीण डाक सेवकों की सभी श्रेणियों के लिए लिमिटेड ट्रांसफर सुविधा की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। बता दें कि ग्रामीण डाक सेवक का केवल एक बार ही ट्रांसफर ले सकते थे, जबकि महिला डाक सेवक दो बार ट्रांसफर ले सकती हैं। सरकार के फैसले के चलते कर्मचारी अपनी मर्जी मुताबिक अपने घर, गांव या अपने किसी भी पसंदीदा जगह पर ट्रांसफर ले सकते हैं। इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 3 साल की सेवा पूरी करनी जरूरी होगी। इसके बाद कर्मचारी जहां भी चाहेंगे वो अपनी मन मर्जी के मुताबिक ट्रांसफर ले सकेंगे। आपके लिए एक छोटा सा सर्वे, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो इससे आपका माइंड भी तेज होगा। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि पीएम मोदी ने जो नोटबंदी की थी उस दिन क्या तारीख थी। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रोजाना की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।